Hello children, in this video you will get to know what is MySQL, what is SQL, and uh, the classification of SQL commands. Okay, so the first question is what is MySQL? MySQL kya, hota hai, right? So MySQL is an open source and freely available relational database management system that uses structured query. लैंग्वेज तो माई एस्ल क्या है माई एस्किल एक सॉफ्टवेयर है ओके okay? कैसा सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स ओपन सॉफ्ट सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसकी जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है यूज़र्स के लिए ओके okay? तो यूज़र्स सोर्स कोड में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं ओके okay? और चेंज करने के बाद आगे वो इसको डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं राइट right? तो माई एस्किल क्या है ओपन सोर्स है मीन्स इसका सोर्स कोड अवेलेबल है ओके okay, हम जो यूज़र्स होते हैं एंड यूजर्स वो उसको देख सकते हैं चेंज करना चाहते हैं सोर्स कोड में तो चेंज भी कर सकते हैं ओके एंड फ्रीली अवेलेबल मींस इसको हम विदाउट गिविंग एनी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इंटरनेट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमें कोई इसके लिए कोर्स नहीं देनी है ये फ्री है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये कौन सा डेटाबेस ये जो सॉफ्टवेयर है ठीक है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया जाता है कौन सा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस राइट रिलेशनल डेटाबेस आपको पता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और वॉट आर रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओके और ये सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है ये सॉफ्टवेयर यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल ओके समझ आया माई एसक्यूल क्या है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ठीक है एंड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हम डेटाबेस डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस व्हाट आर रिलेशंस दीज आर टेबल्स ओके और ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम करने के काम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल एसक्यूएल को सिकल भी कहा जाता है ओके now next being an open source software it can be downloaded freely and easily from www.mysql.org okay ye maine aapko bataya ki open source open source software hai means aap is इसकी coding देख सकते हो कि ये software कैसे बनाए right और इसको आप without giving any cost ठीक है आप download कर सकते हो इसकी एक जो एक जेन्यून वेबसाइट है वो है डब्ल्यू 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 डॉट माई एसकेट प्रोवाइड एक्सीलेंट फीचर्स फॉर क्रिएटिंग स्टोरिंग मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसिस एंड देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स ओके okay? तो जो ये सॉफ्टवेयर है ठीक है ये क्या है ये एक बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए स्टोर करने के लिए उसको मेंटेन अच्छे से करता है एंड आप इजीली इस डेटाबेस, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हो राइट ओके इन जो डेटा ठीक है और यहाँ पे आपको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा हो होता है हमें टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है राइट जो एक सिंगल माई एक्टाबेस होता है जैसे हम माई स्किल की जब कोडिंग करते हैं माई स्किल के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो एक डेटा बेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं राइट right? तो इट इज टेलिंग यू की आप एक डेटा बेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हो और

रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब सॉफ्टवेयर से उनसे ज्यादा अच्छी है फाइन तो यहाँ आपको पता चल गया कि माय एसक्यूएल होता क्या है माय एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर ओके ओके नाउ वी हैव व्हाट इज एसक्यूएल ओके एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताया था माय एसक्यूएल क्या होता है माय एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है वो सॉफ्टवेयर यूज करता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ओके ओके नाउ एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डेटा इन देम ठीक है एसक्यूएल क्या है लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है रिलेशनल डेटा को मैनेज करती है ओके okay? और रिलेशनल डेटाबेस मींस रिलेशनल डेटाबेस को बनाने में उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने में टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करने में ओके हाउ यू विल और डेटा को एक्सेस करने में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है वो है एसक्यू एल ओके तो यहाँ uh, um, पे एसक्यू क्या है इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज बाय द माई एसक्यूल सॉफ्टवेयर राइट कमांड्स एसक्यूल टू क्रिएट ट्रांसफॉर्म रिट्राइब इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो ये क्या कह रहा है एक्सकिल कमांड्स हम यूज करते हैं बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करने के लिए रिट्राइव इंफॉर्मेशन रिट्राइव मतलब एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहाँ से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एंड आल्सो टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटा अब जो ये लैंग्वेज है एक्सल वो क्या करती है वो इंटरफेस बनाती है यूजर और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस क्या होता है मीडियम ठीक है मीडियम होता है एक एक रास्ता जिसके थ्रू आप किसी से बात करते हो ठीक है तो यहाँ पे हमें डेटा बेस को अगर एक्सेस करना है तो हम एस्कुल की कमांड्स का यूज़ करेंगे हमें डेटा बेस के अंदर और डेटा डालना है तो अब हम एस्किल की कमांड्स का यूज़ करेंगे ओके डेटा बेस के अंदर हमें कोई चेंज करना है तब हम एस्कुल की कमांड्स का यूज़ करेंगे तो ये क्या कर रहा है एक मीडियम है ठीक है एस्क्यूल लैंग्वेज क्या है एस्क्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है और मीडियम को हम क्या बोलते हैं इंटरफेस ठीक है इंटरफेस है हमारा मतलब यूजर और डेटाबेस के बीच में ठीक है By using SQL command, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify data, remove row, drop tables. तो so, SQL command की help से आप database के अंदर कोई भी function कर सकते हो You can search any data in the database. आप database के अंदर कोई भी data search कर सकते हो और कोई भी function कर सकते हो आप उसके अंदर tables create कर सकते हो tables के अंदर records add कर सकते हो अगर जो पहले से data है उसको आप modify कर सकते हो ठीक है आप टेबल की रोज को रिमूव कर सकते हो आप कंप्लीट टेबल को रिमूव कर सकते हो डिलीट कर सकते हो ओके सो ऑल द फंक्शंस ओके ऑल द फंक्शंस यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट तो यहाँ पे हमको समझ आ गया व्हाट इज माय एसक्यूएल एंड व्हाट इज एसक्यूएल एसक्यूएल माय एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर एंड एसक्यूएल इज द लैंग्वेज इज व्हिच इज यूज्ड बाय माय एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओके

जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए ठीक है दी स्टेटमेंट्स आर क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज और जो स्टेटमेंट्स हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है राइट फर्स्ट वी हैव द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी एम एल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डी सी एल ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टी सी एल ओके तो हमने क्या किया है यहाँ पे एसकुल्स को और यू कैन से डिवाइड कर दियागरीज में राइट right? आपके सिलेबस में अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज है सो वी आर गोइंग टू डू दीज टू कैटेगरीज ऑफ एस्किल कमांड ओके नाउ फर्स्ट वी हैव डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड दैट इज डी डी एल कमांड्स ओके डी डी एल कमांड्स आर यूज टू डिफाइन द डेटा बेस स्ट्रक्चर और स्कीमा ठीक है जो डे डी डी एल कमांड्स होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं वो किस लिए यूज होती है वो यूज होती है डेटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मतलब उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ओके इसकी हेल्प से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो जैसे आपको एक बॉक्स सबसे पहले क्या एक बॉक्स बनाना है तो डीडीएल कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या करेंगे वो बॉक्स को क्रिएट करेंगे अब उस बॉक्स के अंदर जो आप डेटा डालोगे वो हम दूसरी कमांड से डालेंगे ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना है बॉक्स बनाना है ठीक है आप एक और एग्जांपल ले लो सबसे पहले आपको बिल्डिंग बनानी है एक स्ट्रक्चर बनाना है फिर उसके बिल्डिंग के अंदर आपको अपना सामान डालना है बेड सोफा जो भी आप डालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए एक बिल्डिंग चाहिए एक एक आपको हाउस चाहिए आप हाउस बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमने क्या करना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की हेल्प से सबसे पहले आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है राइट right? स्कीमा और स्ट्रक्चर आट द सेम टर्म ओके तो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ डीडीएल कमांड्स हमारे पास डीडीएल कमांड्स के कुछ एग्जांपल हैं डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं बहुत सारी आती है लेकिन उसमें से हमने कुछ लिए इंपॉर्टेंट कमांड्स फर्स्ट वी हैव क्रिएट कमांड ओके टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा तो क्रिएट कमांड का क्या यूज है क्रिएट कमांड की हेल्प से आप डेटा बेस डेटाबेस डेटा को क्रिएट करोगे डेटा के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे डेटा के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं टेबल्स होता है ओके व्यूज होते हैं राइट तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप क्या करोगे डेटाबेस को क्रिएट करोगे टू क्रिएट डेटा बेस क्रिएट टेबल्स तो यहाँ पे क्या बन रहा है डेटा का स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपका डेटाबेस बना दिया उसके अंदर आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया आउटर क्या है आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन गया अंदर आपका टेबल का स्ट्रक्चर बन गया सिंपली स्ट्रक्चर बना अभी इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है क्यों क्योंकि डी डी एल कमांड क्या करती है इट ओनली डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस राइट ओके ऑल्टर कमांड ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेसिस ओके आपको स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है ठीक है आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो ऑल्टर कर दो ऑल्टर मीन चेंज करना आप okay? table. Table को change कर सकते हो आपको एक कॉलम और ऐड करना है वो ऐड कर दो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपको कोई constraint उसके अंदर ऐड करना है रूल्स होते हैं फाइन आप उसके अंदर टेबल के अंदर जो हम कंस्ट्रेंट होते हैं वो हम कब लगाते हैं जब टेबल हम क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टेबल क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं लगाते हैं राइट right? तो आपको अंदर टेबल के अंदर कोई कंस्टेंट ऐड करना है तब आप वो ऑल्टर टेबल की हेल्प से कर सकते हो टू रीडिफाइन अ कॉलम ठीक है किसी कॉलम का आपको डेटा टाइप चेंज करना है साइज चेंज करना है वैल्यू चेंज करनी है डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने दी है वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो ऑल्टर कमांड की हेल्प से ठीक है देन वी हैव ड्रॉप ड्रॉप कमांड डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटा बेस हमें क्या करना है कुछ आ, कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा बेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं ड्रॉप ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हैं सो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स वो कमांड्स है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं डेटा बेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ओके फाइन और उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हम कर सकते हैं राइट तो हेयर वी आई हैव शोन यू सम एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल कमांड क्रिएट टू क्रिएट द टेबल टू क्रिएट द डेटा अल्टर ऑल्टर टू चेंज ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस टू चेंज टू मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ड्रॉप टू डिलीट द ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट मीन्स टू डिलीट द टेबल ओके टू डिलीट द database all ऑल दिस ओके सो डेटा डेफिनेशन आर यूज टू डिफाइन द डेटा बेस स्ट्रक्चर फाइन ओके हमने डी डी एल कमांड से क्या किया डी डी एल कमांड से हमने डेटा बेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया नाउ वी हैव डेटा बेस का स्ट्रक्चर बना लिया राइट right? हम हम लोगों ने उसके अंदर टेबल्स का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो ये सब क्या एम टी अभी ठीक है ये दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर ये सिर्फ ढांचा है

ओके okay. और जो भी आप डेटा के अंदर चेंज करना चाहते हो आप डेटा के अंदर चेंज कर सकते हो राइट वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ दी डी एल कमांड्स वी विल इंसर्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ डी एम एल कमांड्स एंड वी कैन ऑल्सो मेक चेंजेस इन द डेटा विद द हेल्प ऑफ डी एम एल कमांड्स राइट सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डी डी एम एल कमांड्स सिलेक्ट फर्स्ट कमांड इज सिलेक्ट रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटा बेस टेबल ओके तो अगर आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा uh, है टेबल्स के अंदर डेटा है तो आप सिलेक्ट कमांड की हेल्प से उनको रिट्राइव कर सकते हो रिट्राइव मीन्स उनको एक्सेस कर सकते हो उनको ले सकते हो इंसर्ट इंसर्ट डेटा इन टू द डेटा बेस टेबल इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो टेबल्स के अंदर ठीक है इंसर्ट की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो सिलेक्ट की हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो मतलब एक्सेस कर सकते हो अपडेट अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन द डेटा बेस अपडेट की हेल्प से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो जो भी आपको डेटा के अंदर चेंज करना है वो अपडेट है कमांड की हेल्प से आप कर सकते हो राइट right? then you have delete delete all the records from the table अगर आपको सारे uh, records delete करने हैं तो आप delete की help delete all की help से कर सकते हो और आपको few records तो, uh, delete करने हैं तो आप क्या करोगे particular condition लगा के और delete command का कर use करके उसको delete कर सकते हो right तो DDL commands की help से हमने structure को बनाया

के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें जो भी चेंजेस करना है इंसर्ट करना है डिलीट करना है अपडेट करना है एक्सेस करना है वो आप डीएमएल कमांड की हेल्प से करोगे ओके okay? ओके okay, ये मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाता है वन मार्क या टू मार्क का तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है डिफरेंस बिटवीन द डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स राइट तो डी डी फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज राइट सबसे पहले आपने उनकी फुल फॉर्म दे दी डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज ओके डीएमएल क्या है डेटा मैन्युपलेशन लैंग्वेज है डीडीएल क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स वो डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और डीएमएल क्या है डेटा में जो भी मैन्युपलेट करना है जो भी मैन्युपलेशन करना है वो डिफाइन करता है राइट right? स ये मैंने भी आपको बताया है डी डी एल करता है क्या डी डी एल का क्या यूज है ये डेटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और डेटा बेस जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उनका ऑब्जेक्ट ये क्या करता है डिफाइन करता है बताता है राइट right? DML इट कंटेन्स कमांड दैट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैन्युपुलेट डेटा इन द डेटा बेस तो डीएमएल कमांड्स क्या करते हैं इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं मैन्युपुलेट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो डी डी एल क्या है स्ट्रक्चर डिफाइन करता है टेबल का स्ट्रक्चर डेटा बेस का स्ट्रक्चर और भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो डेटा है ठीक है डेटा के आप साथ जो भी फंक्शन करना चाहते हो वो DML.

वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक आपको आपके सिलेबस रिलेटेड कंप्लीट एस्किल कमांड्स ओके मेरे चैनल पर वीडियो में मिल जाएंगी लर्न माय एस्किल इन वन वीडियो ओके उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल द कमांड्स यू कैन वॉच दैट वीडियो ओके ओके नाव बाय बाय